सोशल मीडिया स्टार की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है, जिसने कुछ वक्त पहले कोरोना को फर्जी बीमारी बताया था। 33 साल का शख्स सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहता था और इंस्टाग्राम पर उसके 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। कोरोना को फर्जी बीमारी बताने वाला शख्स फिटनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर चर्चित था और फिटनेस से जुड़े वीडियो शेयर किया करता था। हाल ही में वह तुर्की की ट्रिप पर भी गया था। कोरोना से जान गंवाने वाले 33 साल के युवक का नाम दिमित्री स्टुहोक है। दिमित्री यूक्रेन के रहने वाले थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स अलग अलग देशों के रहे हैं। तुर्की ट्रिप से लौटने के बाद दिमित्री कोरोना संक्रमित हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से बीमार रहने के दौरान युवक को हार्ट से जुड़ी समस्या होने लगी और फिर उनकी जान चली गई। इससे पहले दिमित्री ने सोशल मीडिया पर अपने 10 लाख फॉलोअर्स को बताया था कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोना वास्तव में एक बीमारी है। हालांकि बीमार पड़ने के बाद उन्होंने अपना विचार बदला और लिखा, मैं कोरोना से बीमार हो गया हूं और लोगों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं। पहले मैं ऐसा व्यक्ति था जो मानता था कि असल में कोविड मौजूद नहीं है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।